आईपीएल 2022 के लिए घोषित हुई सभी 10 टीमों की नई ओपनिंग जोड़ी, इन 5 टीमों ने बदले अपने ओपनर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। आईपीएल 2022 का आगाज 26 मार्च से होने जा रहा है और इस आईपीएल 2022 में सभी 10 टीमों ने अपनी ओपनिंग जोड़ियों का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सभी 10 टीमों की तरफ से कौन कौन से खिलाड़ी ओपनिंग करने वाले हैं, इसके बारे में तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, बने रहे वीडियो के पूरे आखिर तक, और साथ ही अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। और साथ ही साथ आप भी चाहते हैं कि आईपीएल में आपकी फेवरेट टीम और आपकी फेवरेट ओपनिंग जोड़ी शानदार परफॉर्मेंस करे तो कर दीजिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 300 लाइक, तो जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हम सबसे पहले मुंबई इंडियंस की ओपनिंग जोड़ी के बारे में। तो दोस्तों, मुंबई इंडियंस की तरफ से हमें रोहित शर्मा और ईशान किशन इस बार ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। ये जोड़ी टीम इंडिया के लिए भी शानदार परफॉर्मेंस कर चुकी है, तो यहाँ पर भी शानदार परफॉर्मेंस करने वाली है। ईशान किशन और रोहित शर्मा से मुंबई इंडियंस को काफ़ी कुछ उम्मीदें होगी। हालांकि पिछले साल तक क्विंटन डिकॉक इस टीम का हिस्सा थे, लेकिन इस बार रोहित के साथ ईशान किशन दिखेंगे। वहीं पर हम अगली टीम की बात करें तो यहाँ पर आती है चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स की ओपनिंग जोड़ी भी इस बार बदली हुई नजर आ रही है। सीएसके की तरफ से इस बार ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे ऋतुराज गायकवाड़ और डेवेन कॉनवे, जो कि शानदार बल्लेबाजी कर सकते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ पिछले साल भी इस टीम के लिए काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस कर चुके हैं, तो डेवेन कॉनवे इस बार शानदार परफॉर्मेंस करके दिखा सकते हैं सीएसके के लिए। वहीं पर दोस्तों, इसके बाद हम बात करें अगली टीम की, तो वो है राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से हमें ओपनिंग करते हुए दिखेंगे यशस्वी जायसवाल और देवदत्त पड्डीकल, यानी कि इस बार राजस्थान रॉयल्स की ओपनिंग जोड़ी भी बदली हुई नजर आ रही है और राजस्थान रॉयल्स की तरफ से इस बार दोनों लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज पारी की शुरुआत करने वाले हैं। इसके बाद अगली टीम की हम बात करें तो वह है कोलकाता नाइट राइडर्स, यानी कि केकेआर की तरफ से इस बार वेंकटेश अय्यर और अजिंक्य रहाणे हमें पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। दोनों खिलाड़ी टीम के लिए अच्छी शुरुआत दे सकते हैं, जहां एक तरफ वेंकटेश अय्यर आक्रामक बल्लेबाजी कर सकते हैं तो दूसरी तरफ अजिंक्य रहाणे पारी को संभाल कर बल्लेबाजी कर सकते हैं, यानी कि दोनों खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन शानदार बन सकता है और केकेआर की टीम इस बार कमाल कर सकती है। वहीं पर इसके बाद हम बढ़ते हैं अगली टीम की तरफ, तो वो है पंजाब किंग्स की टीम। पंजाब किंग्स की तरफ से इस बार शिखर धवन और मयंक अग्रवाल पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। दोनों खिलाड़ियों के पास अच्छा खासा अनुभव है और वो शानदार शुरुआत दिला सकते हैं। हालांकि पिछले साल तक इस टीम की तरफ से मयंक अग्रवाल और केएल राहुल शुरुआत करते थे, लेकिन इस बार शिखर धवन मयंक अग्रवाल के साथ आएंगे। वहीं पर अगली टीम की हम बात करें सनराइज हैदराबाद की, तो इस टीम की तरफ से इस बार एडन मार्करम और राहुल त्रिपाठी हमें पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। दोनों ओपनर इस टीम के लिए बदले हुए हैं, क्योंकि पहली बार दोनों सनराइज हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे, तो उम्मीद है कि यहाँ पर एडन मार्करम और राहुल त्रिपाठी शानदार शुरुआत करेंगे। वहीं पर अगली टीम की बात करें, जो कि आईपीएल की नई टीम है, गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस की तरफ से जेसन रॉय और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करेंगे। वैसे देखा जाए तो दोनों काफ़ी शानदार प्लेयर हैं। जेसन रॉय को भी T20 का खतरनाक बल्लेबाज माना जाता है, तो वहीं पर शुभमन गिल ने आईपीएल में कई बार शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया है, तो एक बार फिर यहाँ पर गुजरात की टीम इनसे बड़ी उम्मीदें करेगी। वहीं पर एक और आईपीएल की नई टीम लखनऊ सुपर जायंट्स की हम बात करें, तो इस टीम की तरफ से क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल पारी की शुरुआत करते दिखेंगे। ये टीम काफ़ी खतरनाक बन चुकी है, जहां एक तरफ क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल पारी की शुरुआत करेंगे, जिससे कि ये टीम काफ़ी मजबूत लग रही है। वहीं पर दोस्तों, अगली टीम की हम बात करें तो वो है दिल्ली कैपिटल। दिल्ली कैपिटल की तरफ से हमें पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे डेविड वॉर्नर और पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करते हैं, तो वहीं पर डेविड वॉर्नर के पास आईपीएल का अच्छा खासा अनुभव है, जो कि शिखर धवन की कमी दिल्ली कैपिटल के लिए पूरी कर सकते हैं, यानी कि इस बार डेविड वॉर्नर और पृथ्वी शॉ की ये जोड़ी हिट होने वाली है। वहीं पर दोस्तों, हम अगली टीम की बात करें तो वो है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर RCB। RCB की पारी की शुरुआत इस बार हमें करते हुए नजर आएंगे दो खतरनाक बल्लेबाज पेप डू प्लेसिस और विराट कोहली। दोनों खिलाड़ी काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी कर सकते हैं। पेप डू प्लेसिस काफ़ी शानदार ओपनिंग करते हुए आ रहे हैं। विराट कोहली भी इस बार कमाल की पारियां खेलकर RCB को शानदार शुरुआत दिला सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी सभी 10 टीमों की नई ओपनिंग जोड़ियां। आपको क्या लगता है कौन सी टीम होगी मजबूत? सबसे मजबूत ओपनिंग जोड़ी कौन सी टीम की नज़र आ रही है आपको? आप अपने फेवरेट ओपनिंग जोड़ी का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।